भारत सरकार की 2021 में आई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव काफी सिंपल है, पुरानी अनफिट और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को रोड से हटा के स्क्रैप करना। हिस्टोरिकली इंडिया में गाड़ी स्क्रैप करना हमेशा अनऑर्गेनाइज रहा है, जहां अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए किसी अनऑथराइज स्क्रैप डीलर जैसे दिल्ली के मायापुरी में जाके अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करते हैं, जिसके अगेंस्ट वो स्क्रैप डीलर आपको मेटल की कोई रैंडम वैल्यू दे देता है। अब ये पूरा प्रोसेस काफी अनसिस्टमैटिक और इनफॉर्मल है, जहां एक आपको अपनी पुरानी गाड़ी की सही स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलती, इंसेंटिव्स तो दूर की बात है। इसके अलावा इस तरीके से गाड़ी स्क्रैप करने से जो टॉक्सिक ऑयल्स और गैसेस निकलते हैं उसको भी खुले में ही ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ना ये सिस्टम आपके लिए सही है, ना ये हमारे पर्यावरण के लिए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका कास्ट 24 की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम आए हैं दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर मानेसर के रोजमर्टा ऑटो रिसाइकलिंग में, जो कास्ट 24 पार्टनर व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी है। यहाँ हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कैसे ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक तरीके से एंड ऑफ लाइफ या ELV व्हीकल्स को डिसमेंटल, डीपल्यूट और फाइनली स्क्रैप किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है जब 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल व्हीकल को RTO ऑटोमेटिकली डीरजिस्टर कर देता है। जिसके बाद वो गाड़ी RVSF या रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी में आती है, जहां सबसे पहले होता है गाड़ी का रेडिएशन चेक। रेडिएशन चेक होने के बाद स्क्रैप गाड़ी का वेट लिया जाता है, और अगर गाड़ी में CNG या LPG फिटेड है तो उसको डिसमेंटलिंग से पहले सेफली निकाल के बर्नआउट किया जाता है। बारी आती है डीपल्यूटिंग स्टेज की, जहां AC गैस जो एक ग्रीन हाउस गैस है उसे सेफली निकाला जाता है, जिसके बाद गाड़ी का इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ट्रांसमिशन फ्लूइड और कूलेंट जैसे लिक्विड्स को इटालियन डीपल्यूटिंग मशीन से एक्सट्रैक्ट करके एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। एक्सट्रैक्शन के बाद गाड़ी के सारे पुराने लिक्विड्स जैसे डीजल, रिजेक्टेड फ्यूल, कूलेंट विंडशील्ड लिक्विड, ब्रेक स्टेयरिंग, शॉकर ऑयल, इंजन ट्रांसमिशन ऑयल यहाँ स्टोर होते हैं। डीपल्यूटिंग के बाद गाड़ी आती है डिसमेंटलिंग के लिए। ये है आउटर बॉडी स्टेशन, जहाँ गाड़ी के बम्पर, बोनेट, डिक्की, फेंडर्स ये सब निकाले जाते हैं। फिर आता है इंटीरियर बॉडी स्टेशन, जहाँ गाड़ी के इंटीरियर कॉम्पोनेंट्स जैसे सीट्स, डैशबोर्ड, हेडलाइनर ये सबको निकाल दिया जाता है। डिसमेंटलिंग के प्रोसेस में गाड़ी के अंदर से जितने भी पार्ट्स निकाले जाते हैं उनको यहाँ पर प्रॉपरली वे किया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात ये भी है कि गाड़ी के डिसमेंटलिंग प्रोसेस से निकले हुए कुछ स्पेयर पार्ट्स को आगे रीयूज करने के लिए भी स्टोर किया जाता है। डिसमेंटलिंग के प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, जहाँ गाड़ी से उसका चैसी नंबर को अलग कर लिया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन इशू करने के लिए। अब बारी आती है गाड़ी के इंजन को चैसी से अलग करने की, जिसके लिए टिल्टर स्टेशन, इस रिग पे गाड़ी को 90 डिग्री टिल्ट कर दिया जाता है, और इसी स्टेशन पे गाड़ी के टायर, सस्पेंशन, फ्यूल टैंक, इंजन को निकाला जाता है। टिल्टर स्टेशन के बाद आती है गाड़ी शेल क्लीनिंग स्टेशन पे। इसी स्टेशन पे गाड़ी की कारपेटिंग, बचे कुचे इंटीरियर पार्ट्स और गाड़ी में जितना भी ग्लासवेयर है उसको निकाला जाता है। फाइनली गाड़ी के सारे कंपोनेंट, सारे पार्ट्स निकालने के बाद बचता है तो ये बेयर मेटल चासी, जिसे शेल कहते हैं। अब फाइनली उस बेयर मेटल चासी को इस बेल मशीन में क्रश करके स्मेल्टिंग सेंटर्स में भेज दिया जाता है। ये फैसिलिटी एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी है, जहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग व्हीकल की स्क्रैपिंग की जाती है। ये फैसिलिटी क्वालिटी, एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफाइड है। आज हमारे साथ हैं श्री ब्रिजेश सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस। वी हैव बीन ऑपरेशनल सिंस मई 2023 एंड वी आर ऑलरेडी सर्टिफाइड फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट एज अ ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग प्लांट। So we have a capacity to produce 30,000 vehicles. I would like to take you to the layout. So we have a layout where we have all process defined, how we have to process and do the dismantling. So we follow all these stated processes with different levels of automations. So these are some of the certification that our plant has. We have quality certification, environment, occupational health safety standard, which are very critical for performance for RVSF.
अब चलिए बात करते हैं अपनी पुरानी गाड़ी को Cars24 के थ्रू स्क्रैप करने में आप क्या क्या फायदा है। सबसे पहला सर्टिफिकेशन, मतलब जब आप अपनी पुरानी गाड़ी को Cars24 के थ्रू स्क्रैप करते हैं तो आपको मिलता है सरकार द्वारा इशूड COD या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके एक नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यूज करके आप 25% रोड टैक्स या 50,000 रुपए तक बचा सकते हैं। पर अगर नई गाड़ी खरीदने का कोई प्लान नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रेडेबल एसेट भी है। मतलब इस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट पे बेच के आप 15,000 रुपए तक कमा सकते हैं। सिंपल है, अपनी पुरानी गाड़ी को Cars24 के साथ स्क्रैप करने में आपको 30,000 से लेकर 1,00,000 तक स्क्रैप वैल्यू मिल सकती है। आशा है आपको हमारी ये व्हीकल स्क्रैपिंग पे वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द Cars24 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अक्षत, मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।